आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। और ये ब्लॉग आएगा कब को आएगा, या परसों आएगा, जब भी आएगा तो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज है राखी, तो सबसे पहले चलते हैं अभी किचन में, कुछ मंदिर के लिए पहले चढ़ाने के लिए बनाते हैं, फिर पूजा पाठ पतिदेव करते हैं, पहले पूजा फिर मैं करूँगी, क्योंकि पहले ये कर लेंगे। तो कोई कह रहा 1:30 बजे बाद बताएगी राखी, कोई कह रहा तो जने हो तो ये डाल लूँगा कह रहे हैं, तो क्योंकि वही है फोनों को देख के, क्या पहले भद्र पहले भी होता ही होगा, तो पहले को तो ऐसा कुछ नहीं, आजकल कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो वो कह रहे हैं कि मैं डाल लूँगा जने हो, तो कर रहे हो मंदिर में पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं फटाफट से भोग बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पर पापा जी और ससुर जी की फ़ोटो यानी कि मंदिर से हटके मैंने रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दिया बाती करी, इनकी फ़ोटो उठाती साफ करी, और तब फिर मैंने भोग बनाया, भोग बना के मैंने मंदिर में चढ़ाया। तो इन्होंने फिर पूजा पाठ करके फिर क्या जने उधारण। गाइस, आज हम बना रहे पोहे, और इसको पहले हम डालेंगे बैटर। हाथ से डालता छोड़ो, एक बड़ा सा पुआ बनाया, और ये तीन पुए मैंने बना रखे हैं। ये तीन पुए इसी ने बना रखे हैं, ये देख सकते हैं, ये मेरे बने हुए हैं और ये इसके बने हुए हैं। सीखो मुझसे कुछ, इसको पलटाना, वो जल रहा है। अच्छा, जलता है वो, देखो इतना बड़ा बना दिया इसने। रुक जा, पहले उसको निकाल लेना, छोड़ हो गया, छोड़ मैं बनाती हूँ, देर फटाफट बनाती हूँ। तो ये है, आज ये मेरे साथ हेल्प करने लगा है। तो फाइनली मेरी हो चुकी है पूजा, बाकी तो इन्होंने कर रखी थी, बाकी मैंने थोड़ी सी आरती आरती कर लिया, देखता अपन नहलाना सब इन्होंने ही करा, क्योंकि जने वो बदलनी थी, तो सारे काम इन्होंने करे पहले के। तो मैं तब तक पकवान बना रही थी, तो इनका हो गई है पूजा। अब छत में अब कपड़े डालने हैं, कपड़े डाल के आती हूँ, फिर बच्चे भी जाएंगे नानी के घर, इनकी भी तैयारी करती हूँ। और फिर माई किचन में पहले मैंने फटाफट से सासू माँ के लिए कचौड़ियाँ तली, और उनकी प्लेट करी तैयार, उनको नाश्ता दिया। तो दोस्तों, ये है मेरे राखी स्पेशल प्लेट, और मैंने आज बना रखे हैं पुए कचौड़ी आलू की, और साथ में है टमाटर का सॉस, ये देखिए। तो अभी मैं पहले सासू माँ को देती हूँ, मंदिर में भोग मैंने पहले चढ़ा दिया है, मंदिर में कचौड़ी नहीं सिंपल पूरी चढ़ाई थी, तो अब ये सासू माँ को देते हैं, फिर हम लोगों के लिए बनाती हूँ। तो ये, तो यहाँ पर मेरे बच्चे जाने लग गए हैं नानी के घर। हाँ, मैं भी चलती हूँ बेटा, दादी को भी ले जाते हैं। चलो, ये दोनों बच्चे जा रहे हैं मेरे, बैठ जाओ मेरे दिल में। तो ये क्योंकि सारी बहनें इनकी वहीं मिलेंगी, और दो बहनें यहाँ आएंगी चाचा की बेटियाँ, तो बाकी और सब वहीं मिलेंगे, तो औरों के वहाँ भी शाम को दो बहनें यहीं आएंगी, तो उनकी भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये चले दोनों भाई निकले अपने नानी के घर। तो अभी अब मैं आई हूँ छत में कपड़े डालने के लिए, लेकिन यहाँ बारिश के छींटे से भी आ रहे हैं, देखो बढ़ती है या घट ऐसी रुकती है। तो डालती हूँ फटाफट से कपड़े, फिर चलते हैं नीचे को, बाकी मम्मी जी को तो करा दिया मैंने नाश्ता, ले दू ले दू वंशु 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 ये रो रहा है, इतने आदमी कहाँ से आए आज हमारे घर में, इतने भैया लोग, इतनी दीदी लोग कहाँ से आए हमारे घर में। पापा उधर ही बैठ जाए बगल में, किसी एक ही फोन से ना। हाँ, फिर शेयर कर देगा सबको। वंशु वंशु, ये है मेरे भाव की राखी बांधने से पहले की वीडियो। तो यहाँ पर राखी सेलिब्रेशन होता है शुरू, सबसे पहले बड़ी दीदी भैया को तिलक लगा के उतार रही हैं आरती, और ये राखी बदने तक 1:45 से भी ऊपर 2 बजने वाला है, मतलब 2:05 है ऐसे ही समय अभी। और मैं वीडियो कॉल पर यहाँ से सब देख रही थी, और वहाँ बच्चों ने वीडियो बनाई है, और यहाँ पर
बड़ी दीदी ने ही, मतलब मेरी राखी भी, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी, तो मेरी राखी भी, अपनी भी और छोटी दीदी की राखी भी, सब की राखियाँ दीदी ने बारी बारी से, दीदी ने बांधी, क्योंकि बड़ी है तो कार्यभार सारा हमने इसी के सिर सौंप रखा है। पूरे घर की जिम्मेदारी, तीनों बहनों की, बहनों की जिम्मेदारी यही निभा रही है आज तो। और यहाँ पर फिर बच्चों को बैठाया, फिर तिलक लगाया, फिर सबने उतारी साथ में मिलकर आरती, और छोटू को भी बैठाया, वो लेकिन यहाँ पर परेशान हो गया था, तो फिर उसको भाभी की गोद में दे दिया था। उसकी राखी भी आगे जितनी वीडियो होगी मैं दिखाऊंगी ज़रूर आपको, उसका मतलब जितनी भी वीडियो बनी होंगी आगे को जरूर देख, वो मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि पहली राखी मेरे छोटे बेबी की है आज। यहाँ पर पहले सभी बड़े भाइयों को राखी बांधी गई, फिर आती है मेरे छोटे बेबी की बारी, अब उसको बांध रहे। इसका मुंह इधर करो भाभी, तेरा नहीं, वो देखो ले बाबू, ये ले, चल अब तू बांध दिया और यहाँ पर चाचा जी सभी बच्चों को दक्षिणा बांट रहे हैं, क्योंकि फिर अभी थोड़ी देर में उन्होंने खाना खा के निकलना है, तो चाचा जी कह रहे हैं फटाफट भी भूल जाऊंगा, तो वो दक्षिणा बांट रहे हैं। और यहाँ पर छोटे बेबी को देखिए, राखी को ही देख रहे आप अपनी राखियां दिखाना चाहेंगे? पैर खुद से छुआ रही है, बताओ वेदू, पहले इधर देख, इधर देख, इधर देख, उधर देख, देख ही नहीं रहा भाई। अब चिंता अभी, अब वीडियो कॉल पे हुई मैं के बाद राखी बंध गई है वहाँ, और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। वैसे ऐसा कुछ था नहीं कि मैं खा सकती थी सुबह, लेकिन मैं मन नहीं हो रहा था, लग रहा अजीब लगता ही है, क्योंकि भैया हमारा चाहे कहीं भी हो आज तक का रिकॉर्ड है भैया का, हर राखी पर घर आए हैं, तो खुद को भी लगता है। और नज़दीक, सबसे बड़ी बात है नज़दीक, मैं दूर होता तो शायद राखी के हम तो आगे पीछे वैसे भी नहीं जा पाते तो राखी तो छोड़िए, तो अब नज़दीक था तो, नज़दीक है तो फिर जाना तो बनता ही है अब, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं तो इसलिए नहीं जा पाए, तो कोई नहीं, सोच रही थी जाए भी, सासू माँ भी कह रही थी चले जा मैं कर लूँगी, लेकिन अब एकदम से छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पता चला कहीं गिर गिरा जाते तो हो जाता और दिक्कत हो जाती, तो इसलिए नहीं गई मैं। और बच्चों को भेजा है मैंने, और अभी बच्चे अब देखो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी दीदी लोग आ चाचा के, मतलब बच्चे आने वाले हैं राखी बांधने, तो देखो कितने बजे तक आप पहुँचते हैं वो लोग। तो अब मैं भी फटाफट से खाना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। जय करो बाबू, जय करो, भी हाथ जोड़ो आदू, जय करो दीदी को, हाँ शाबाश, देखो जय कहता हूँ मैं इसे जय भी करता हूँ, ये देखो, क्या बात है राखी, कह रहा मैं इस बार बोल नहीं पा रहा हूँ, अगले साल से तो मैं बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे अपने छोटे बेटे को देख के इतनी हंसी आ रही थी, इतने उससे देख रहा था वो, यानी क्या जो कर रहे हैं, फिर उसको मिठाई खिलाती, तो मिठाई कहाँ खाई उसने, थोड़ी सी खाई जबरदस्ती में, फिर उसके एक हाथ में थमा दी चीज़, और फिर छोटी बिटिया ने बांधी उसको राखी,
वो ऐसे देखा था सभी चीज़ों को, उसको समझ में ऐसा नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा मेरे साथ करके। फिर बड़े बेटू को भी बाद ही मेरे राखी, उसने भी पाँव छः दीदी लोगों का आशीर्वाद लिया, तो इस प्रकार मेरे घर की राखी भी हो गई। अब तो ये मेरे बच्चे आ चुके हैं नानी के घर से, थोड़ी भीग भी गए यहाँ से, थोड़ी यहाँ से इसके पापा लेने गए तो भीग गए ये लोग। और अभी अब यानी कि मेरी भतीजियाँ भी आ गई हैं और राखी बांधेंगी इनको, तो अब दिखाती हूँ आपको मैं भी यहाँ पर। फिर मेरी बड़ी भतीजी ने पहले बड़े बेटे को राखी बांधी, फिर उसने छोटे बेटे को बांधी, उसके बाद फिर छोटी बेटी बांध रही है, ये बड़े को बांध दी इसने, छोटे को बांध रही है। तो छोटा वाला बड़े उससे आशीर्वाद दे रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं इन दोनों भाई बहनों में, 2-3 महीने का अंतर है, लेकिन आज वो कह रहा हाँ मेरे भी कोई पाँव छूने वाला है करके। फिर यहाँ पर छोटी बिटिया ने ताऊ जी को राखी बांधी और अपनी बुआ की राखी भी मैंने इन इसके हत्ते बंधवाई, क्योंकि मैंने बांधी नहीं थी इनके हाथ में। फिर दादी को राखी बांधी बड़ी बिटिया ने, फिर छोटी बिटिया ने, फिर आई मेरी बारी, पहले मुझे बांधी मेरी बड़ी बेटी ने, फिर छोटी बेटी ने, और उसके बाद फिर ये दोनों बहनें। बारिश भी आ रही थी बाहर, तो उसके अपने का टाइम से निकलना ठीक है। फिर ये सासू माँ का आशीर्वाद लेके निकल बाय बाय कहते हुए चल दिए अपने घर को। तो अभी अब बच्चे भी चले गए हैं और ये भी आ गए हैं नानी के घर से, तो अब थोड़ी देर इनसे बातें करती हूँ। तो यही था रक्षाबंधन आज का हम लोगों का, और बीच में मैंने जो मायके की बच्चों की मतलब भाई बहनों की राखी की जो वीडियो थी वो डाली। तो आप लोगों को अगर पसंद आए हो ये ब्लॉग तो मेरा कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय। मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, ए तेर कोई मुखड़ी, ए तेर प्यारी मुखड़ी, ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, आँख में काजल नाक न धुली भली लगी रे।